हेलो गाइस, वेलकम टू मिशन जॉब अपडेट यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे रेलवे एनटीपीसी एग्ज़ाम 2020-21 के 25 जनवरी के जो सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन आए थे, उनके आज के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए सभी सवालों के हल, और साथ ही साथ फर्स्ट शिफ्ट में भी पूछे गए प्रश्नों का सामूहिक हल इस वीडियो में पूरा बात करेंगे। आइए वीडियो शुरू करते हैं। और सब वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे आपको आने वाला सभी सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलता रहे। आइए शुरू करते हैं सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चनों के साथ। पहला क्वेश्चन, हम बात करेंगे एनटीपीसी के सेकंड शिफ्ट में आए हुए क्वेश्चन के बारे में। एनटीपीसी के सेकंड शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, फर्स्ट क्वेश्चन के आपको मैंने बता दिए हैं, फर्स्ट जो शिफ्ट में क्वेश्चन आए उनको बता दिया। अब हम सेकेंड शिफ्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो देखते हैं इसका पहला सवाल। एनटीपीसी के सेकंड शिफ्ट में पहला गया प्रथम सवाल है, पंचमहल कहाँ पर स्थित है? ये पंचमहल आपका फतेहपुर सीकरी में स्थित है। अगला क्वेश्चन जो केमिस्ट्री यानी बायोलॉजी से पूछा गया है, कौन सा हार्मोन है फीमेल में पाया जाता है, यानी महिलाओं में जो हार्मोन पाया जाता है एक सेक्स हार्मोन के नाम से जाना जाता है। इसमें एस्ट्रोजन में प्रोजेस्टेरोन पाया जाता है और पुरुष में ये हार्मोन भी पाया जाता है। फीमेल और दोनों में, फीमेल में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन पाया जाता है। आपके पास पुरुष का भी पूछ लिया जा सकता है, तो इसका ज़रूर आप याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, अग्नि 5 की मारक क्षमता क्या है? तो 5500 से 5800 किलोमीटर ये अग्नि 5 है, ये एक मिसाइल है, उसका मारक क्षमता पूछा गया है। अगला है कंप्यूटर का सवाल है, माइक्रोचिप किससे बनी है? माइक्रोचिप सिलिकॉन से बनी होती है। अगला क्वेश्चन है, इब्न बतूता किस काल में भारत आया था? इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भारत आया था। ये आपके क्वेश्चन थे एनटीपीसी सेकंड शिफ्ट में आए हुए। और आगे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत अभियान 2 अक्टूबर 2014 से 2 अक्टूबर 2019 तक चला था। स्वच्छ भारत अभियान का पूछा गया है, रोज का एक अभियान आपके फिक्स पूछा जा रहा है, और भी अभियान के बारे में रोज पूछा जा रहा था, अभियान आप जरूर याद कर लीजिएगा। तो ये दोनों आपको मैंने इस वीडियो में पूरा करवा दिया है, फर्स्ट शिफ्ट के और सेकंड शिफ्ट के दोनों के क्वेश्चन आंसर आपको पूरे करवा दिए हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो जल्द से जल्द जुड़ जाएं, क्योंकि आने वाले वीडियो में बहुत ही अच्छी जानकारी आपको मिलने वाली है, और भी नया ताज़ा इसमें क्वेश्चन मिलने वाले हैं। हो सके जितना संभव हो सके मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लेकर आऊँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।